गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीलेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड, जिसमें हम लोग आज मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। बाकी हम लोग मल्टीलेवल पढ़ चुके हैं एंड हायरार्किकल पढ़ चुके हैं एंड सिंगल पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि हम एक नई बेस क्लास बनाते हैं जो कम से कम दो या दो से अधिक क्लासेस को क्या करती है, इनहेरिट करती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास क्लास ए क्या है, एक ड्राइव क्लास है और उसने दो क्लास को ले रखा है, इनहेरिट कर रखा है, दैट इज द क्लास बी एंड सी। ठीक है, तो क्लास बी एंड सी के एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर वो क्या होंगे, इनहेरिट होके क्लास ए में आ सकते हैं। यानी कि मोर देन टू क्लासेस की क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है सब क्लास। एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे पास ये दो क्लास बनी हुई है, दैट इज अ वन, दूसरी क्या है टू। एक के अंदर फंक्शन वन डिफाइन है और दूसरे के अंदर क्या है, फंक्शन टू डिफाइन है। अब हमने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, थ्री, उसके अंदर फंक्शन थ्री डिफाइन है। तो इस जब हमने पब्लिकली इनहेरिट किया वन क्लास को, तो इसका फंक्शन वन भी यहाँ आ गया और क्लास टू को पब्लिक इनहेरिट किया तो फंक्शन टू भी यहाँ आ गया इन अ पब्लिक सेक्शन। तो क्लास थ्री के पास तीन फंक्शन आ गए, फंक्शन वन, फंक्शन टू एंड फंक्शन थ्री। अब इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग। क्लास वन, उसके अंदर फंक्शन वन बनाया हमने, फिर क्लास टू बनाई है और उसके अंदर हमने क्या बनाया, फंक्शन टू बनाया है। उसके बाद हमने क्लास थ्री बनाई है जिसमें कि हमने दो डेटा मेंबर को, दो क्लासेस को इनहेरिट किया है। पहली क्लास क्या है, वन, और दूसरी क्लास क्या है, टू। अब यहाँ फंक्शन थ्री में हमने क्या किया, फंक्शन थ्री बनाया इस क्लास में। अब हम मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसमें कि हमने पहले वन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर टू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम लोग ने थ्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब हम वन से कॉल कर रहे हैं ओ वन डॉट फंक्शन वन, तो एक ही फंक्शन कॉल होगा, टी टू से दूसरा फंक्शन कॉल होगा, दैट इज अ फंक्शन टू, और टी थ्री से चूंकि फंक्शन वन फंक्शन टू इसमें क्लास सी में भी इनहेरिट हो गए हैं, तो हमारे पास टी थ्री से हम लोग फंक्शन वन भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन टू भी कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज फंक्शन थ्री भी कॉल कर सकते हैं। अगर इसका आउटपुट देखें, ठीक है, फंक्शन टू से फंक्शन टू कॉल हुआ सुपर क्लास का एंड अब देख सकते हैं आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए में एक्स नाम का एक डेटा मेंबर डिफाइन है पब्लिक सेक्शन में और उसका गेट एक्स नाम का एक मेथड है। इसी तरह एंटी वाई है क्लास बी में और उसका मेथड क्या है, गेट वाई, ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर है। हमने एक नई क्लास बनाई थ्री जो क्या कर रहा है, सम कर रहा है, जब क्लास, क्योंकि क्लास ए के जितने भी डेटा मेंबर जो पब्लिक सेक्शन में क्लास थ्री में आ जाएंगे और क्लास बी के जितने भी डेटा मेंबर और फंक्शन है वो भी क्लास थ्री में आ जाएंगे। अब हम सम करेंगे इन्हीं दोनों नंबर्स का, तो अब हम जरा देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट करके। अब देखिए, गेट क्लास ए में हमने एक एक्स डेटा मेंबर लिया और एक मेंबर फंक्शन लिया गेट एक्स जो एक्स की वैल्यू इंटर करेगा। ये दूसरी क्लास बनाई दैट इज अ बी जो वाई डेटा मेंबर डिफाइन है इसमें और गेट वाई का मेथड इसमें डिफाइन है जो वाई में इनपुट लेगा। उसके बाद देखिए, हमने क्लास सी बनाई जो ए क्लास और बी क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, दैट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जितनी भी क्लासेस आप इनहेरिट करना चाहें बस कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा। सम किया, क्योंकि एक्स और वाई जो हमारे क्लास ए और क्लास बी के मेंबर थे वो इनहेरिट होकर क्लास सी में आ गए हैं, तो अब हम सम, यहाँ सम फंक्शन में डायरेक्टली एक्स प्लस वाई को कॉल कर सकते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, हमने सी का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया,
और उससे गेट एक्स मेथड कॉल किया, गेट वाई मेथड कॉल किया और सम मेथड कॉल किया। गेट एक्स से एक्स में वैल्यू इनपुट लेगा, वाई से गेट वाई से वाई में वैल्यू इनपुट लेगा और सम से एक्स और वाई को सम करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं, गेट एक्स से गेट वाई से और सम से फिर हमने क्या किया, दोनों का सम करके डिस्प्ले कराया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, हमने यहाँ पे दो क्लास बना रखी है जिसका नाम क्या है, एरिया और दूसरा है क्या, पैरामीटर। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा पब्लिक सेक्शन में एरिया क्लास में, गेट एरिया यानी कि दो पैरामीटर पास करेंगे तो वो एरिया कैलकुलेट करके देगा, और गेट पैरामीटर फंक्शन क्या कर रहा है, दो पैरामीटर पास करेंगे तो जो भी वैल्यू पास करेंगे वो पैरामीटर करके रिटर्न करेगा वैल्यू इंटीजर। अब देखिए, हमने क्लास रेक्टेंगल बनाई जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों प्राइवेट डेटा मेंबर लिए और रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर है और इसमें एरिया एंड पैरामीटर नाम का हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया। ठीक है, देख सकते हैं पब्लिक सेक्शन में हमने एक गेट एरिया नाम का मेथड बनाया जो क्या कर रहा है, इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। इसी तरह पैरामीटर में भी हमने यही किया, यहाँ पे पैरामीटर कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। ये देखिए, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे कि ये डेटा मेंबर लिए हैं, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज किए, उसके बाद एरिया फंक्शन यहाँ पे कॉल किया और यहाँ देखिए हमने गेट एरिया मेथड कॉल किया। गेट एरिया मेथड है किसका, एरिया क्लास का, और इसमें दो पैरामीटर पास किए, लेंथ एंड ब्रेथ जो इसके डेटा मेंबर थे, क्योंकि हम यहाँ गेट एरिया भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने एक क्लास का नेम लिया है, ठीक है, यानी कि अगर हमें सुपर क्लास को रिफर करना हो, उसके मैथड को रिफर करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया इज द क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड उसका मेथड। इस तरह डेटा मेंबर भी हम सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू जो भी आएगी उसको रिटर्न करेंगे। इसी तरह पैरामीटर, अगेन पैरामीटर क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट पैरामीटर से हमने उसके पैरामीटर कैलकुलेट करके रिटर्न कराएंगे जहां से कॉल होगा पैरामीटर फंक्शन। मेन फंक्शन देखते हैं, हम लोग रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट लिया, फिर हमने देखिए क्या लिया, जब हमने आरटी यहाँ कॉल किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू स्टोर हो गई। एरिया निकालने के लिए आरटी डॉट एरिया कॉल किया और पैरामीटर निकालने के लिए क्या कॉल किया, आरटी डॉट पैरामीटर। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने अचीव किया। ठीक है, एरिया की वैल्यू आएगी 28 और पैरामीटर की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमने तीन क्लासेस को इनहेरिट किया, वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड वैल्यू थ्री। इसमें दो डेटा मेंबर हैं, वैल्यू टू में दो डेटा मेंबर हैं, वैल्यू थ्री में, और क्लास वैल्यू थ्री में हमारे पास क्लास वैल्यू वन में दो डेटा मेंबर है, क्लास वैल्यू टू में दो डेटा मेंबर है और क्लास वैल्यू थ्री में कितना है, तीन डेटा मेंबर। नाउ हमने क्लास फोर बनाई और उसमें एक मेथड यूज किया, दैट इज अ सम। अच्छा देखिए, क्लास वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड वैल्यू थ्री तीनों में डेटा मेंबर क्या है, पब्लिकली डिफाइंड है पब्लिक सेक्शन में, और क्लास वैल्यू फोर में सारे डेटा मेंबर क्या अवेलेबल हो जाएंगे और इसी सम से हम क्या करेंगे, इनका सम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, वैल्यू वन नाम की क्लास बनाई, पब्लिक सेक्शन में दो डेटा मेंबर लिए और वैल्यू भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैल्यू टू नाम की हमने क्लास बनाई, उसके अंदर दो डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर की। उसके बाद देखिए, वैल्यू थ्री नाम की क्लास बनाई, तीनों डेटा मेंबर हमने बनाए, उसमें वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है। अब वैल्यू फोर में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास वैल्यू फोर में हमने तीनों क्लास को इनहेरिट किया, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, कॉमा से सेपरेट कर रखा हम लोगों ने, और इसके अंदर एक सम फंक्शन बनाया रिजल्ट, उसमें एक लोकल वेरिएबल लिया और हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ जी को सम करके यहाँ प्रोड्यूस कर दिया उसका रिजल्ट। मेन फंक्शन देखते हैं, वैल्यू फोर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमने क्या किया, सम फंक्शन कॉल किया।
रिजल्ट देख सकते हैं, जितना भी सम होगा वो टोटल 220 280 आ रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं, रेफरेंसेस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को और भी पढ़ने के लिए।